बीएससी फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल करा रहे हैं। पेपर में दो क्वेश्चन आएंगे, एक मैकेनिक्स के पार्ट से आएगा और एक इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट से आएगा। ये प्रैक्टिकल जो है ये ईएमपी का प्रैक्टिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, लेकिन एग्जाम पेपर में हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट में ही इंक्लूड करके चलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट से क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा। इस प्रैक्टिकल का नाम है कॉइल की रेडियस कैलकुलेट करना, वृत्ताकार कुंडली की रेडियस कैलकुलेट करना। ये जो कुंडली हमारे एपरेटस में दिखाई दे रही है, इस कॉइल की हमको रेडियस कैलकुलेट करनी है। इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य यही है और उद्देश्य बुक में लिखा हुआ इस तरह से, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली, तो ये रही धारावाही, इसमें धारा बहाएंगे तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर, इसका अक्ष यहाँ बीचों बीच में होगा, धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना एवं उसके लिए आवश्यक ग्राफ खींचना और वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या ज्ञात करना। हमको इस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या ज्ञात करनी है, हमारा उद्देश्य बस यही है। इस वृत्ताकार कुंडली और इसके लिए उपकरण है एक संचायक सेल, सेल के नाम पे यहाँ लगाई गई है संचायक सेल, धारा नियंत्रक, सारी सेल की व्यवस्था तुम्हारे इस बॉक्स में की गई है। तो संचायक सेल लिख रहा है, संचायक सेल, एक कुंजी, सारी चीज इसमें है, एक कंप्यूटेटर और धारा नियंत्रक भी इसमें लगा हुआ है, बैटरी, संचायक सेल इसमें लगा हुआ है और फिर ग्री स्पर्शजा गैल्वेनोमीटर, इसको बोलते हैं स्पर्शजा गैल्वेनोमीटर, स्पर्शजा धारा मापी, ये रही स्पर्शजा धारा मापी। इस तरह से उपकरण काम पूरे हो जाते हैं। फिर आता है सिद्धांत, सिद्धांत में तुम्हें इस स्पर्शजा धारा मापी या इस कुंडली की केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना है। तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हम 12th क्लास में निकाल चुके हैं, उसका सूत्र ये हुआ करता है, जहां पर स्मॉल ए कुंडली की त्रिज्या, आई कुंडली में प्रवाहित धारा, एन कुंडली में फेरों की संख्या, एक्स कुंडली के केंद्र से अक्ष पर बिंदु से दूरी। तो एक्स का मान यहाँ मीटर स्केल लगा हुआ है इस साइड में, हमारे उपकरण की इस साइड में मीटर स्केल लगा हुआ है, तो ये एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स को ये मीटर स्केल रिप्रेजेंट करेगा। इसके बीचों बीच में यहाँ पे जीरो है, जीरो वाला बिंदु है यहाँ पे मीटर स्केल में, इधर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बढ़ता हुआ है, ऐसे ही इस साइड में है जिसको हम दाई साइड, और ऐसा ही बाई साइड में है बढ़ता हुआ मीटर स्केल, और मैक्सिमम रेंज 34 मीटर तक की है, ऐसे ही दाई साइड में 34 मीटर तक की रेंज है। इस तरह से हमें मीटर स्केल यानी कि एक्स की वैल्यू अपने सिद्धांत में हमको एक्स की वैल्यू वेरिएबल करनी है, तो एक्स की वैल्यू मीटर स्केल से बदल सकते हैं। ए इस अक्ष की त्रिज्या ही है, और इसमें बी, इसमें हमें ओमेगा नॉट कुंडली में चुंबकीय हेनरी पर मीटर से निर्वात में चुंबकीय चुंबकनशीलता होती है, वो सारी वैल्यू तुम्हारे इसमें अपने आप कैलकुलेट होके आएंगी। तो तुम्हें इसको बी मैक्सिमम को कैलकुलेट करना है, ये हमारा सिद्धांत रहेगा। सिद्धांत के बाद आएंगे प्रेक्षण, प्रेक्षण में लिखना है कुंडली में प्रवाहित धारा, तो कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा, कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा यहाँ से निश्चित की जाएगी, इससे इस वाले पार्ट से इसमें धारा के मान को बदल सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमको कुंडली में धारा का मान हर समय 0.1 एम्पियर, मात्रा किसका एम्पियर है, 0.1 एम्पियर रखना है, हर बार ध्यान रखना है कि धारा का मान 0.1 एम्पियर ही रहे, क्योंकि प्रेक्षण में प्रवाहित धारा, कुंडली में प्रवाहित धारा का मान फिक्स किया जाता है 0.1 एम्पियर। इस प्रयोग को तुम 0.2 एम्पियर पे करोगे तो पूरे प्रयोग के लिए ध्यान रखना होगा कि हमको धारा का मान 0.2 एम्पियर ही रखना है हर बार। फिर उसके बाद दूसरा है धारा मापी का प्रतिरोध, पूर्णतः विक्षेप की धारा आई जी का मान ज्ञात करना। इसके लिए पहले हमें इसकी लिस्ट काउंट ज्ञात करनी पड़ेगी और एक पिक्चर, ये प्रेक्षण के नाम पे केवल एक प्रेक्षण है, फिर है प्रेक्षण सारणी, प्रेक्षण केवल एक लेना है कि हमने कितने मान की कुंडली में धारा प्रवाहित की है। उसके बाद हमें प्रेक्षण सारणी बनानी है, प्रेक्षण सारणी में क्या है, पहला पॉइंट क्रम संख्या,
तुम्हारी रीडिंगों की क्रम संख्या आ जाएगी। दूसरा पॉइंट है कुंडली के केंद्र से अक्ष के अनुदिश कंपास बॉक्स की दूरी, यानी कि एक्स का मान मीटर में, एक्स का मान 0 मीटर में लिखना है, क्योंकि हमारा स्केल मीटर स्केल सेंटीमीटर में है, तो उसको मीटर में बनाएंगे, 10^-2 से गुणा करेंगे, तो 0 सेंटीमीटर को 0.00 मीटर कहेंगे, और 2 सेंटीमीटर को 0.02 मीटर, 4 सेंटीमीटर को 0.04 सेंटीमीटर। इस तरह से हम यहाँ प्रयोग में, अपने प्रयोग में कंपास बॉक्स को मीटर स्केल पे देखते हुए विस्थापित करना है बार बार। दो ये सुई यहाँ पे लिखी रखी है, ये सुई जो है ये 2 पे होगी, तो कंपास बॉक्स एक्स की रीडिंग 0.02 सेंटीमीटर होगी। 4 पे कर देंगे तो 0.04 मीटर, 6 पे करेंगे तो 0.06 मीटर, 8 पे करेंगे तो 0.08 मीटर, 10 पर करेंगे तो 0.08 मीटर। इस तरह से हमको ये कंपास बॉक्स दाईं तरफ भी विस्थापित करना है, और इसी तरह हमें कंपास बॉक्स बाईं तरफ भी विस्थापित करना है। पहली रीडिंग हमको 0.0 कंपास बॉक्स को 0.0 पर रखकर ही लेनी है, पहली रीडिंग 0.0 पर रखकर लेनी है। ऐसा काम हमको कंपास बॉक्स को जब बाईं तरफ गति करा रहे हैं तब लेना है, और ऐसा ही काम हमको जब कंपास बॉक्स को दाईं तरफ, एक बार तो बाईं तरफ विस्थापित करेंगे, एक बार दाईं तरफ विस्थापित करेंगे, तो हमारी दो तरह के इस टेबल के दो पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा कंपास बॉक्स को जब बाईं तरफ गति करा रहे हैं, दूसरा पार्ट होगा जब कंपास बॉक्स को दाईं तरफ गति करा रहे हैं। इसको फिल करना, टेबल को फिल करना अभी सिखाएंगे। पहले ये देखो, इस प्रयोग को स्टार्ट करने से पहले हमें इस कंपास बॉक्स को चुंबकीय यामोत्तर में स्थापित करना है। चुंबकीय यामोत्तर क्या किसे कहते हैं वो मतलब समझो। चुंबकीय यामोत्तर का मतलब होता है, ये है पृथ्वी। पृथ्वी को एक मैग्नेट की तरह मानते हैं। पृथ्वी में एक क्या रखी हुई है, चुंबक रखी हुई है, जिसके ये होता है एस पोल और ये होता है एन पोल, और ग्रेविटेशनल एक्सिस होता है हमारा, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है पृथ्वी को पढ़ने का, जिसमें यहाँ एन होता है यहाँ एस होता है, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये पृथ्वी का मैग्नेटिक एक्सिस है। तो अगर कंपास बॉक्स को इस तरह इस अक्ष के समांतर कर दिया जाए, कंपास बॉक्स को इस अक्ष के समांतर कर दिया जाए, उस स्थिति को कहते हैं कंपास बॉक्स हमारा चुंबकीय यामोत्तर की स्थिति में है। चुंबकीय यामोत्तर बनाने का मतलब है कंपास बॉक्स की सुई ज्योग्राफिकल एक्सिस के साथ थीटा कोण पर आ जाएगी। मतलब ये रही, इसे सबसे पहले चुंबकीय यामोत्तर में बनाने के लिए काम क्या किया जाएगा, इस कंपास बॉक्स में जहां 90 लिखा हुआ है, 90 को सबसे पहले कॉइल के अंदर लिखेंगे, दोनों साइड का 90 लिख रहा है उसको कॉइल के अंदर लेके आएंगे, फिर ये सुई में जो विक्षेप दिख रहा है इस सुई का विक्षेप 0 पे करेंगे। धारा प्रवाहित नहीं की है, अभी प्रैक्टिकल शुरू भी नहीं हुआ है, उससे पहले बस इसको पहले 0 पे स्थापित करेंगे, सुई के दोनों सिरे 0 पे स्थापित हो जाने चाहिए। ये हमें स्थिति देखनी है कि सुई के दोनों सिरे 0 पर स्थापित हो जाएं। अभी ऊपर से रीडिंग लेनी है, बिल्कुल बिल्कुल इस कंपास बॉक्स में शीशे में फेस दिखता है अपना, वहां फेस दिखे, और देखनी है कि ये दोनों विक्षेप 0-0 पे रहे, वहां से रीडिंग लेना शुरू करेंगे। सबसे पहले धारा प्रवाहित करेंगे, अब प्रयोग स्टार्ट करना है, सप्लाई ऑन करनी है हमें, प्रयोग में सप्लाई ऑन करनी है। सप्लाई ऑन करते ही करंट को हमें 0.1, क्योंकि हम प्रेक्षक में लिख चुके हैं, करंट हमें 0.1 एम्पियर रखना है। ये रही प्रेक्षण सारणी, अब देखते हैं प्रेक्षण सारणी में क्या क्या रीडिंग है। करंट को 0.1 किया, करंट को सबसे पहले 0.1 पे करते हैं प्रेक्षण सारणी, जब कंपास बॉक्स बाईं तरफ विक्षेपित है। अब सबसे पहले हम रीडिंग लेते हैं 0.0 पे, 0.00 मीटर, अभी हमने यहाँ 0.00 पे ही रखा हुआ था, 0.00 मीटर पे कर लिया। विक्षेप देखना है धारा के एक दिशा के लिए और धारा के विपरीत दिशा के लिए, तो धारा की एक दिशा, इस सुई को रखेंगे हम धारा की एक दिशा, और करंट का ध्यान रखेंगे 0.1 एम्पियर ही रहे, 0.1 एम्पियर और धारा की एक दिशा की बात हो रही है। फिर यहाँ सुई में विक्षेप देखेंगे,
फेरों की संख्या यहाँ से, कुंडली में फेरों की संख्या यहाँ से निर्धारित होगी। अगर 10 रखना चाहते हो तो 10 के लिए अच्छी रीडिंग नहीं आ पाती है, इसलिए सबसे बढ़िया रीडिंग 100 के लिए आती है। कुंडली में फेरों की संख्या 100 कर दो और यहाँ 0.1 एम्पियर का ध्यान रखो। फिर देखो सुई में विक्षेप कितना आ रहा है। सुई जब तक शांत होती है तब तक, शांत होने के बाद पहली रीडिंग आना स्टार्ट होता है इसका। जैसे ही सुई शांत हो जाए, एक साइड इस तरफ की रीडिंग को मैं पहली रीडिंग कहूंगी। देखो धारा की एक दिशा में, मैंने अपने एपरेटस को धारा की एक दिशा में किया हुआ है, वहां दो रीडिंग है, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड। नंबर फर्स्ट में इस साइड को मान लू, नंबर सेकंड इस साइड को, क्योंकि सुई के दो सिरे हैं। इस सिरे को अगर फर्स्ट मानेंगे तो इस सिरे को सेकंड। सिरे फर्स्ट में रीडिंग देखो 49 आ रही है और सिरे सेकंड में रीडिंग देखो 48 आ रही है। तो ये दोनों रीडिंग हमें यहाँ नोट डाउन कर लेनी है। जैसे इस प्रयोग में लिख रही है, जैसे यहाँ रीडिंग देखो, यहाँ सिरे फर्स्ट में 49 रीडिंग कैलकुलेट हो रही है, 40 और ये 49, और दूसरे सिरे पे 48 रीडिंग आ रही है। दोनों रीडिंग मेजर करके फर्स्ट कॉलम में 49 लिख देना है, सेकंड कॉलम में 48 लिख देना है। उसके बाद ऐसा हम, यही काम हम विपरीत दिशा में करेंगे, धारा की विपरीत दिशा में। धारा बदल गई, हमें धारा को कहाँ करना है, बार बार 0.1 पे। विपरीत दिशा में भी ध्यान रखना है धारा कहाँ रहनी चाहिए, 0.1 पे। धारा 0.1 पे की, उसके बाद देखा सुई में विक्षेप विपरीत तरफ हो गया, पहले इस साइड में था, अब अपोजिट डायरेक्शन में सुई विस्थापित हो चुकी है। जैसे ही सुई शांत होती है फिर वो रीडिंग कैलकुलेट की जाती है। वो रीडिंग कैलकुलेट करके जैसे अभी रीडिंग आ रही है 48 और इधर आ रही है 49, लगभग बराबर आएंगी चारों रीडिंग। वापस से 48 और 49, फर्स्ट रीडिंग आई है 48, सेकंड रीडिंग आई है 49, दोनों रीडिंग लिखेंगे। फिर थीटा का कॉलम बना हुआ है, थीटा का मतलब है चारों रीडिंगों का माध्य लेना है, और माध्य लेने का सूत्र होता है राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। चारों रीडिंगों को जोड़ोगे और चार का भाग दोगे तब तुम्हारा थीटा निकल के आएगा। इस तरह से हम प्रयोग को दोबारा आगे करेंगे, इसको विस्थापित करके 2 सेंटीमीटर पे रखेंगे, एक्स का मान बढ़ाएंगे। पहले एक्स का मान 0 था, अब एक्स का मान बढ़ा के 2 सेंटीमीटर करेंगे। एक्स का मान बढ़ा के 2 सेंटीमीटर किया, फिर धारा की एक दिशा में रीडिंग, यहाँ दूसरी रीडिंग लेंगे अभी 0.02 सेंटीमीटर के लिए, 0.02 मीटर के लिए करेंगे। अक्ष पे, एक्स अक्ष पे हमने वैल्यू बढ़ा दी है, फिर हम क्या काम करेंगे इसमें, धारा की एक दिशा में करेंगे अपने प्रयोग को, धारा की एक दिशा में। धारा बदल गई है, धारा को वापस से कहाँ करेंगे, 0.1 पे। धारा को 0.1 पे करेंगे, सुई में विक्षेप देखेंगे। आइडियन ये हुआ करता है कि सुई में विक्षेप पहले जो आया था उससे घटेगा ही, अगर बढ़ भी रहा है, हो भी सकता है बढ़ जाए, पर ज्यादातर यह होता है घट जाए। तो यहाँ देखो बढ़ के आया है, फर्स्ट रीडिंग क्या आ रही है हमारी, फर्स्ट रीडिंग आ रही है 51 और इधर देखो इधर आ रही है 52। ये दो रीडिंग यहाँ कैलकुलेट होंगी, 51 और 52, 51 52। अब विपरीत दिशा में करेंगे, विपरीत दिशा में करते ही धारा को पहले निश्चित करेंगे 0.1 पे। धारा को निश्चित किया 0.1 पे और विपरीत दिशा में सुई स्थापित होगी तब वो रीडिंग ली जाएगी। विपरीत दिशा में सुई स्थापित हो रही है, जब तक सुई शांत होती है तब रीडिंग लेते हैं। तो देखो रीडिंग आ रही है 45, इधर आ रही है 45 और इधर आ रही है 43, 45 और 43, फर्स्ट में लिख देंगे 45, सेकंड में लिख देंगे 43, विपरीत दिशा में 45, 43। इसी तरह से और इन चारों का एवरेज लेके थीटा आ जाएगा। इसी तरह से कंपास बॉक्स को एक्स अक्ष पे बढ़ाते जाएंगे और 10 तक की रीडिंग, एटलीस्ट 10 तक रीडिंग लेनी है, 0.010 तक की रीडिंग लेनी है। इस साइड ऐसा ही इस साइड करेंगे और यही काम हम विपरीत साइड में करेंगे। धारा जब दाईं तरफ कर रहे हैं तो दूसरी साइड में भी हमें यही काम करना है। दूसरी साइड में भी चार रीडिंग आएंगी, चारों का माध्य लेके ये निकल के आएगा और फिर ये कॉलम रह रहा है पहली रीडिंग का। ये थीटा जब तुमको प्राप्त हो चुका है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पॉइंट के बाद 3 अक्षरों तक की डिजिट रखनी है, ज्यादा नहीं रखना है। पॉइंट के बाद 3 अक्षरों तक की डिजिट रख के ये टेन थीटा कैलकुलेट होगा एक साइड का,
ऐसा ही दूसरी साइड का टेन थीटा कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हमें एक ग्राफ बनाना है, एक ग्राफ का निर्माण करेंगे। ग्राफ में एक्स अक्ष में वही वैल्यू रखनी है जिसका तुमने एक्स का मान यहाँ मिड पॉइंट में एक्स बराबर जीरो रखोगे, यहाँ दाई तरफ की रीडिंग लेनी है, यहाँ बाई तरफ की लेनी है। एक्स अक्ष पर एक्स के मान रखोगे, जैसे तुम्हारी एक्स की वैल्यू थी 0.02 मीटर, 0.04 मीटर, 0.08 मीटर, 6 मीटर और 0.08 मीटर। इस तरह से एक्स अक्ष पे पॉजिटिव डायरेक्शन में और दूसरी दाएं तरफ और एक बाएं तरफ, इस तरह से रीडिंग एक्स अक्ष पे लिखेंगे और वाई अक्ष पे टेन थीटा की वैल्यू लिखेंगे। वाई अक्ष पे तुमने देखा हमारी जो रीडिंग आएंगी टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा का मान सबसे पहली रीडिंग जब जीरो एक्सिस की बात थी उस टाइम पे जो टेन थीटा आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा, उसके बाद थीटा का मान एवरेज थीटा का मान घटता जाएगा जिसकी वजह से टेन थीटा का मान भी लगातार घटता जाएगा। और एक तरफ की ये रीडिंग है, दूसरी तरफ की ये रीडिंग है, इन रीडिंगों को अपने ग्राफ पे बनाएंगे। एक तरफ की रीडिंग जीरो पे अधिकतम मिलेगी, उसके बाद लगातार घटती जाएगी, ऐसा ही दूसरी तरफ होगा लगातार घटती जाएगी। अब जो x बराबर जीरो पे मैक्सिमम वैल्यू टेन थीटा की आ रही थी उसमें 2√2 से भाग दिया जाएगा, क्योंकि 2√2 से भाग देने पर जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को y अक्ष पे, क्योंकि y अक्ष पे टेन थीटा की वैल्यू लिख रही है, टेन थीटा के मैक्सिमम मान में 2√2 से भाग देने पर जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को y अक्ष में नोट करते हैं और वो वैल्यू को यहाँ और यहाँ दोनों वक्रों से, दोनों कर्वों से मिला देते हैं। दोनों कर्वों से मिलाने पर इसको x अक्ष पे सीधा बढ़ाते हैं। सीधा बढ़ाने पर जो दूरी आई थी जीरो से, जैसे ये इसमें दिखाई दे रही है 0.04 और इधर भी दिखाई दे रही है 0.04, तो 0.04 प्लस 0.04 बन गई तुम्हारी 0.08। 0.08 इस कॉइल का व्यास है, 0.08 इस कॉइल का व्यास है। हमें कैलकुलेट करनी थी रेडियस, तो इसमें 0.08 में 2 से भाग देकर रेडियस निकल के आएगी। रेडियस जो निकल, जैसे इस प्रैक्टिकल के लिए निकल के आई है 0.08 इसकी रेडियस निकल के आई है, उसको मीटर में लिखा तो 0.08 और सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 10 की घात 2 से गुणा करके सेंटीमीटर में। तो ये इस तरह से इसकी रेडियस कैलकुलेट हो जाती है। वो गणना में भी लिखना है कि 2√2 से भाग देके ये वैल्यू आती है और इस वैल्यू को ग्राफ पे नोट किया है। ग्राफ में से जो रीडिंग कैलकुलेट की है वो इसकी रेडियस को ही रिप्रेजेंट कर रही है। यही हमें परिणाम में लिख देना है कि हमारी दी गई वक्र हमें चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह से प्राप्त हो रहा है। जो हमें वक्र मिला था पहला उद्देश्य वहां कम्प्लीट हो गया और दूसरा उद्देश्य रेडियस कैलकुलेट हो गई। फिर उसके बाद सावधानियां हैं, सावधानियों को लिख देना है।